तो आपका नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। मेरा नाम मुकेश करवा है जी। मिरफोर्ड के अंदर उससे एंट्रेंस में मेरी दुकान है, राइट हैंड साइड में। आपकी शॉप का नाम? मेरी शॉप का नाम श्री आर्ट पैलेस। श्री आर्ट पैलेस। और ये शॉप का नंबर? शॉप का नंबर नहीं है, यहाँ पे ये पुरानी दुकान है और पुरानी। अच्छा, चल रही है। अच्छा, ये कौन से गेट के पास है आपकी शॉप? अखी प्रोल गेट के पास में है। अखी प्रोल, अखी प्रोल गेट, फर्स्ट गेट इसको बोलते हैं। अच्छा, उसी के पास है। सो पहले तो मुझे थोड़ा सा इस पैलेस के बारे में आप बताएंगे, यहाँ की हिस्ट्री और जो अभी। हाँ, ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। इस फोर्ट का निर्माण 1156 में महाराजा जैसल सिंह के द्वारा किया गया है। अच्छा। और इस फोर्ट की जो विशेषता है, इस फोर्ट के अंदर कहीं पर भी सीमेंट और पानी का यूज नहीं किया गया है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पीने, ये रियल डेजर्ट था, यहाँ पीने को भी पानी नहीं था, तो वो कंस्ट्रक्शन को तो कहाँ से लेके आते, तो उस अवस में इन्होंने पत्थर को पत्थर से जोड़ करके ये फोर्ट बनाया गया है। अच्छा। और इसकी पुरानी राजधानी वैसे लुद्रुआ है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद में ये मेरू पर्वत पहाड़ के ऊपर ये बनाया गया है। अच्छा, तो इसीलिए इसका नाम जैसलमेर नाम है। मेरू यहाँ संस्कृत में मेरू पहाड़ी को बोलते हैं, उसके दोनों को जोड़ करके जैसलमेर किया। तो ये शहर का नाम ही जैसलमेर पड़ गया। ओके। जैसल सिंह जी, तो जो हमारे जो मुख्य राजा थे जैसल सिंह जी, उनका ही महल ये है। इस महल का नाम है जैसलमेर फोर्ट। और गोल्डन सिटी, जैसे जैसे अलग अलग नाम आवाज में आए, और वो गोल्डन फोर्ट, गोल्डन सिटी और इस तरीके के नाम देते आए। तो ये गोल्डन जो पत्थर है, ये क्या पत्थर है जिसको यूज किया जाता है? गोल्डन पत्थर है। इस रात को देखने में ये सोने की आकृति, इसको इसलिए सोने का गोल्डन पत्थर बोला जाता है। इस पत्थर का क्या नाम है वैसे? वैसे तो इस पत्थर ये सैंडस्टोन ही है। अच्छा। ये पानी में कमजोर है, बाकी मतलब सब तरीके के अवज में ये बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है। अच्छा। सिर्फ पानी के लिए ये कमजोर है। यहाँ पे अब जो बरसातें ज्यादा आ रही है, पहले बरसात नहीं होती थी। हाँ हाँ। और यहाँ पे भूकंप भी आए तो इस फोर्ट को कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि ये मैं जहाँ बैठी हूँ, ये एक शॉप है जहाँ पे श्री आर्ट पैलेस, जहाँ पे काफी कुछ मुझे वैरायटी दिख रही है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि आपके पास कौन कौन सा कपड़ा अवेलेबल है? यहाँ पे कॉटन और सिल्क दोनों का फैब्रिक है। यहाँ का एक्चुअली जो वर्क था, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी का है पूरा। ओके। पूरा हाथ का काम किया जाता था जी। पुराने जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ पशुपालन और हाथ की एम्ब्रॉयडरी, जो डावरी पीसेस बच्ची को गिफ्ट वगैरह देने के लिए हाथ का काम करते थे, और उसके बाद में जैसे टूरिस्ट बढ़ा तो वो हाथ की एम्ब्रॉयडरी का और ज्यादा प्रचलन होता गया। तो बेसिकली आपके पास जॉब भी मिल गया और दोनों चीजें। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो यहाँ का हाथ की एम्ब्रॉयडरी कटवर्क प्रिंट है, मोडाल सिल्क की साड़ियाँ हैं, अजरक प्रिंट का फैब्रिक है, और कॉटन में अप्लिक वर्क का, कांथा स्टिच अप्लिक वर्क का, और पेच वर्क, जैसे यहाँ का ट्रेडिशनल जो पुरानी ड्रेसेस है उनको जोड़ करके टेपेस्ट्री, लाइक ओल्ड टेपेस्ट्री बनाते हैं। अच्छा, तो ये सारा अवेलेबल है। तो जो भी आए यहाँ पे श्री आर्ट पैलेस में, वहाँ पे आप उसको रीजनेबल प्राइस में सामान, पिलोज, वॉल हैंगिंग्स, बेड कवर, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ओके। और आपके पास एंटीक भी अवेलेबल? हाँ जी हाँ। और यहाँ का जैसलमेर का स्टोन कार्विंग का भी, वो भी माल है। अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसे आए और अच्छी अच्छी चीजें खरीदे और विजिट करें आपको एक बार, है ना। थैंक यू सो मच आपका मूल्यवान समय देने के लिए। थैंक यू।